हेलो हेलो माय फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज का मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और ठंड मुझे लगता है कुछ कम हुई है और हो सकता है दो चार दिन में ठंड कम हो जाए। और इस मौसम में गाजर का हलवा तो बहुत अच्छा लगता है और मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी। ये मैंने गाजर लिया है स्टोर, 2.5 किलो गाजर है, इसको धो के छील लिया है और इसे घसूंगी। अभी घस के बनाऊंगी। घसने से 2-3 तरीके से गाजर के हलवा बनते हैं, लेकिन घस करके जो बनता है उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है। थोड़ी मेहनत तो जरूर है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं घस के बनाऊंगी। और एक तरह से आप बना सकते हो, काट करके और घी कुकर चढ़ाइए, उसमें घी डालिए और उनको भून के, गाजर को भून के और खूब अच्छे से देसी घी में भूनिए और उसको सीटी लगा के और दूध डाल के बढ़िया से बना सकते हैं। और ये है, ये मैं घसूंगी और दूध में पकाऊंगी खूब। इसमें 1.5 किलो करीब दूध दूंगी, 2 किलो है गाजर तो 1.5 किलो दूध और 0.5 किलो खोआ में डालूंगी और बनाऊंगी, तो आपको फिर आगे वीडियो में दिखाती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्त, अब मैं दिखा रही हूँ मैंने कैसे क्या किया। ये मैंने गाजर घस लिया है, 10 मिनट लगे हैं मुझे, मैं जरा फास्ट घसती हूँ इसलिए फास्ट में 10 मिनट लगा है मुझे। 2-2.25 किलो गाजर होगा और मैंने ये जल्दी बनाने के लिए 2 बर्तन में दूध डाल दिया है, थोड़े बहुत गाजर डाल दिए हैं और धीरे धीरे डालती जाऊंगी और उसको आधा पौन घंटा लग जाएगा बनते हुए। उसके बाद मैं इसमें खोआ चीनी डालूंगी, फिर आधा घंटा लगेगा टोटल मिला के, ये क्या कहते हैं, 1.25 घंटा मुझे लग जाएगा, जबकि मैं दोनों पे चढ़ाए हुए हूँ। जल्दी जल्दी बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं। और मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आपसे, बोलिए। ओम साईनाथ। शिरडी आप जानते ही होंगे, बाबा का धाम है शिरडी। वहाँ 22 महीनों से द्वारका माई बंद थी, कोरोना की वजह से बहुत दुख हो रहा था भक्तों को, वहाँ दर्शन नहीं मिल पा रहे थे। भक्त जाते थे लेकिन दर्शन नहीं मिल पाते, अंदर से ही होके जल्दी जल्दी में निकलना पड़ जाता था। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी आई है, 2-3 दिन हुए हैं शिरडी द्वारका माई जो है वहाँ का दरवाजा खुल गया है और सब भक्त बड़े प्रेम से दर्शन कर सकते हैं और आराम से थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे साईं के दरबार की। मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारा भी जाना था लेकिन हम जा नहीं पाए, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अभी बाबा की दया से कोरोना थोड़ा कम हो रहा है, फिर हम सोच रहे हैं अगर कोरोना कम हो जाएगा तो जरूर बाबा के दर्शन करने हम जाएंगे। इसीलिए बोलिए जय साईं राम की, उनकी कृपा बहुत बड़ी है, उनका जब मन करेगा उस भक्त को बुलाएंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। चलिए ठीक है, अभी मैं फिर गाजर का हलवा बना रही हूँ और बाबा को जरूर भोग लगाऊंगी। मेरे प्यारे बाबा मेरा भोग स्वीकार करेंगे, यही मेरी कामना है। ओम साईं राम। हेलो, अब देखिए इसका दूध सूख गया है, करीब करीब सूखने वाला है। अब इसमें मैं 2 कटोरी चीनी डालूंगी, करीब 0.5 किलो चीनी डालूंगी, 0.5 किलो तो लगेगा ही। ठीक है, 0.5 किलो चीनी डालूंगी। और इधर मैंने मेवा थोड़ा सा घस लिया है और थोड़ा सा ऐसे ही मोटा मोटा है, और थोड़ी सी मैं पनीर डालूंगी, उसको क्रश कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी थोड़ा चीनी गल जाए और पानी इसका सोख जाए, उसके बाद में धीरे धीरे इसमें खोया डालूंगी, खोया फिर भून जाएगा, उसके बाद घी और मेवे डालूंगी, फिर आगे आपसे बात करते हैं। काजू डाल दूंगी, ये बनने वाला है गाजर का हलवा, टेस्टी टेस्टी हलवा।
ये टेस्टी हलवा बनने वाला है। ये देखिए कितना अच्छा यम्मी लग रहा है। और खाइए और बताइए कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट। ठीक है, अभी भोग लगाऊंगी बाबा को। ऐसा भोग लगाओ प्रभु जी सब अमृत बन जा, अरे सब अमृत बन जा, हे प्रभु जी सब अमृत बन जाए। सबरी के बेर सुदाम के तंद, रुचि रुचि भोग लगाओ प्रभु जी सब अमृत बन जाए। ऐसा भोग लगाओ प्रभु जी सब अमृत बन जा, आए दुर्योधन घर में खाओ साग विदुर घर खा, ओ बाबा सब अमृत बन जाए। ऐसा भोग लगाओ प्रभु जी सब अमृत बन जाए। आप ही की वस्तु आप ही के आगे इस